गुड आफ्टरनून। इन लास्ट फोर लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वर्ड्स, पर पिछले चार क्लासेस में वीडियोस में मैंने आपको वर्ड्स के क्लोज मीनिंग समझाया, जो आपको पैसेज में फिलर में क्लोज टेस्ट में बहुत मदद करेगी। आप मेरे वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स। यू कैन राइट वेरी परफेक्ट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वंस अगेन थ्री वर्ड्स। इनमें से ये जो दो वर्ड है, तीन वर्ड ये आपको परीक्षा में आ चुके भी हैं, सीजीएल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसमें एक वर्ड है ईगर, दूसरे वर्ड है क्यूरियस और तीसरे है कीन। तीनों का अगर हिंदी मीनिंग देखिएगा तो आपको जिज्ञासा ही मिलेगी, लेकिन ईगर का मीनिंग बदलता है। ईगर का मीनिंग होता है कि वैसे परिस्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी हो रही घटनाओं को के बारे में वो जानना चाहता है। मान लीजिए अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और वो जाकर वहां पर जाता है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, वैसी परिस्थिति में हम ईगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम क्यूरियस नहीं देंगे। क्यूरियस वह व्यक्ति को कहते हैं उस परिस्थिति में जब वो किसी भी चीज को करने की इच्छा रखता हो, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा ज्यादा रखता हो, मतलब वो व्यक्ति जाता है, सोचता है क्या हो रहा है, क्या जाने क्या नहीं सीखे, वो किताब पढ़ना चाहता है। लेकिन ईगर में हम सिर्फ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि जो घट रही है, जो घट रही है। और क्यूरियस में होता है किताब पढ़ के भी, आप न्यूज़पेपर पढ़ के नॉवेल पढ़ के भी आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो होता है क्यूरियस व्यक्ति। और किन उस परिस्थिति में या व्यक्ति के लिए भी होता है जो कुछ करना चाहता है, करने की इच्छा रखता है अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा किसी काम को करे, किसी चीज को करे, उस परिस्थिति में हम लोग की यूज करते हैं। थैंक यू।